स्टूडेंट आई लाइक टू वेलकम यू टू to फर्स्ट सेशन ऑफ of न्यू कोर्स course that is a database प्रोग्रामिंग यूजिंग Oracle 11G. जी अच्छा इस कोर्स के अंदर जो हमारी ज्यादातर फोकस रहेगा अराउंड नाइनटी नाइनटी फाइव परसेंट दैट वुड बी मोर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नेचर यानी हमें कुछ हैंड्स ऑन काम करना पड़ेगा और हैंड ऑन काम के अलावा सिर्फ फाइव टू टेन परसेंट चीजें ऐसी होंगी जो कि थ्योरी की होंगी और थ्योरी भी वो होगी जो आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन जस्ट टू बिल्ड द प्रोस्पेक्टिव एंड टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कोर्स कुछ चीजें मैं इससे पहले वाले कोर्स में जो आपने पढ़ी होंगी डेटाबेस मॉडलिंग एंड डिजाइन में मैं कोर कॉन्सेप्ट कुछ रिवाइज करूंगा प्राइमरली मैं कॉन्सेप्ट डेटा मॉडलिंग और एंड एसक्यूएल एल ये दो चीजें हैं जो मैं रिवाइज करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा रिफ्रेशर हो जाए और उसके बाद वी विल प्रोसीड टू द कोर इम्प्लीमेंटेशन थिंग्स ऑफ इलेवन जी

उसके बाद हमने डिजाइनिंग स्टार्ट की अब डिजाइनिंग दो लेवल के ऊपर होती है एक बैकहेंड की डिजाइनिंग जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं और आगे करेंगे और एक होती है फ्रंट एंड की या यूं कह लें बिजनेस लेयर की जो डिजाइनिंग है वो इस कोर्स का लेस्पेक्टिव नहीं है इस कोर्स का प्रस्पेक्टिव है बैकहेंड की डिजाइनिंग मीन डेटाबेस की डिजाइनिंग अब जब हम डेटाबेस की डिजाइनिंग की बात करते हैं तो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि आपको कोर कॉन्सेप्ट है आपको इस कोर्स में इंप्लीमेंटेशन से पहले मालूम होना चाहिए दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जिसको हम लोग अमूमन ईआरडी भी बोलते हैं अच्छा अब जो ईआरडी है इसके अंदर बेसिकली दो कॉन्सेप्ट आपको कोर के कॉन्सेप्ट होनी चाहिए एक है एंटिटी और एक है एट्रीब्यूट और जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशनशिप का अच्छा अब जो एंटिटी है जो ईआरडी है बेसिकली इसका मतलब यह है कि आपने सिस्टम को स्टडी कर लिया उसके बाद आपने सिस्टम के डेटा को एनालाइज किया आपने बिजनेस प्रोसेस को एनालाइज किए एंड यू हैव रिटर्न डाउन सिनेरियो अब जब एआरडी को हम बनाना शुरू करते हैं तो वी नेवर स्टार्ट विथ द क्वेश्चन एयर जो हमने क्लाइंट से फिल करवाया था या जो रिक्वायरमेंट थी जो फिल करवाई थी रिक्वायरमेंट लिखने के बाद वॉट वी ट्राई टू स्टैब्लिश वी ट्राई टू वी ट्राई टू राइट अ स्मॉल सिनेरियो जो कि डेटाबेस स्पेसिफिक हो रीजन कि जब भी आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेते हैं उसमें हर चीज आपको डेटाबेस की तरफ रेफर नहीं कर रही होती मतलब यू नीड टू हैव अ फोकस सिनेरियो फोकस प्रस्पेक्टिव जिसको मद्देनजर रखते हुए आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को डिजाइन करते हैं तो आप यूं कह सकते हैं कि जब आपने बिजनेस प्रोसेसेस को स्टडी कर लिया बिजनेस प्रोसेसेस के डाटा को आपने पढ़ लिया यू नीड टू राइट डाउन अ फोकस सिनेरियो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द डिजाइन फेज और जो वो फोकस सिनेरियो होता है उसको आप रिफाइन कर करके आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं मतलब वेन एवर वी से वी आर इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज वी आर एक्चुअली राइटिंग द सिनेरियो जो कि हमने रिक्वायरमेंट से गैदर कर लिए, अब हम डेटाबेस स्पेसिफिक स्नेरियोज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके बाद वो सिनेरियो एक्चुअली हमें लीड करता है टुअर्ड द डेवलपमेंट आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या यू कह लें कि जो सिनेरियो है वो एक्चुअली फाउंडेशन स्टोन ले करता है टू हैव एन इंटरक्शन अमंग डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज डिफरेंट कॉम्पोनेट विच विच एग्जिस्ट इन इन द परस्पेक्टिव ऑफ अ गिवन सिस्टम गिवन सिस्टम से मुराद है कि जो भी आपने स्नेरियो लिख, लिख लिया है वो आपकी बाउंड्री है वो आपका स्कोप है यू कैन गो बियॉन्ड दैट स्कोप रीजन द मोमेंट यू गो बियॉन्ड योर स्कोप बहुत दफा ऐसा होता है और मैं ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं बहुत दफा ऐसा होता है कि आप बहुत सारी एनर्जी उन चीजों पे जाया कर देते हैं जो आपके स्कोप नहीं होती लेकिन जो इन स्कोप चीजें होती हैं मतलब जिन चीजों पे आपको एक्चुअली क्लाइंट पेमेंट कर रहा है वो चीजें इग्नोर हो जाती हैं द मोमेंट यू यू से जी मैं तो सारी चीजें कवर करूंगा ये जो सारी चीजें कवर करने का कॉन्सेप्ट होता है ना ये uh, uh, ये कंप्यूटर साइंसिस के अंदर स्पेसिफिकली डाटा बेसिस के अंदर एंड प्रोग्रामिंग के अंदर दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज अ किलर कॉन्सेप्ट ये एक्चुअली प्रोजेक्ट को किल कर देता है रीजन एवरीथिंग इज नथिंग इन 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 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इन डेटाबेस डिजाइनिंग यू नीड टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक्स और स्पेसिफिक के लिए ही हम लोग स्नैरियो लिखते हैं ताकि हमें डिफरेंट सिस्टम्स के इंटरेक्शन का अंदाजा हो और हमें यह पता लगे कि कौन सा कॉम्पोनेंट सिस्टम के कौन से कॉम्पोनेंट से बातचीत कर रहा है और हाउ द इंटरेक्शन इज बींग डन प्रैक्टिकली रादर देन ऑन द थ्रोलटिकल टर्म्स